नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है। दरभंगा जिला के विशेष कवरेज में आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी ने हनुमान नगर एवं हायाघाट अंचल का किया भ्रमण। वरीय पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने भ्रमण किया है। पूरा मामला आपको बता दें इससे पहले शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया है कि बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य में लाई गई है तेजी, लाई जाए तेजी। आपको बता दें कि 24 जुलाई 2020 जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज हनुमान नगर एवं हायाघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। आपको बता दें भ्रमण के दौरान उन्होंने राहत व बाढ़ निरोधक कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हनुमान नगर प्रखंड के डिलाही एवं पुअरिया पेट्रोल पंप के पास विस्थापित लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का निदान किया गया। इसके साथ ही अंचलाधिकारियों को सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाने तथा इच्छुक व्यक्तियों को भोजन कराने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी हनुमान नगर प्रखंड राकेश कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि हनुमान नगर के सभी पंचायत बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं तथा 21 सामुदायिक रसोई का संचालन एवं 880 पॉलीथीन सीट्स के वितरण सहित अन्य राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो द्वारा हायाघाट प्रखंड के अकराहा पुल एवं सिरलिया तटबंध का निरीक्षण किया गया तथा अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत 3 सामुदायिक रसोई का संचालन प्रारंभ हो गया है तथा 700 पॉलीथीन सीट्स का वितरण किया गया है। अन्य राहत सामग्री की मांग जिला आपदा प्रबंधन शाखा से की गई है। जिला अधिकारी के निर्देश पर अन्य प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा भी प्रतिदिन संबंधित प्रखंडों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। निदेशक DRDA अभिषेक रंजन द्वारा सदर प्रखंड के वासुदेवपुर में NDRF की टीम एवं नाव के साथ लगातार रेकी करते हुए प्रभावित व्यक्तियों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। केवटी प्रखंड में जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार एवं वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर द्वारा करजापट्टी पंचायत के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया गया तथा वहां चल रहे सामुदायिक रसोई पॉलीथीन सीट का वितरण एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का निरीक्षण भी किया गया है। देख सकते हैं कैसे यहां पर NDRF की टीम लगातार रेकी कर रही है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा भी सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम तैयार कर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बिरौल अनुमंडल के 4 प्रखंड गौरा बोराम, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से अधिक प्रभावित है। इसे देखते हुए गौरा बोराम में 5 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 1500 परिवारों को भोजन कराया जा रहा है। किरतपुर प्रखंड के 8 प्रभावित पंचायतों में 32 सामुदायिक रसोई चलाए जा रहे हैं, जिनमें 12,500 परिवार भोजन कर रहे हैं तथा 250 पॉलीथीन सीट्स का वितरण किया गया है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 14 बाढ़ प्रभावित पंचायतों में 30 सामुदायिक रसोई द्वारा 10,000 प्रभावित परिवारों को भोजन कराया जा रहा है तथा 30 नावों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य तथा आवागमन शुरू कर दिया गया है। बहेरी प्रखंड के जीवच नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वरीय उप समाहर्ता ललित राही द्वारा अतहर उत्तरी पंचायत का भ्रमण कर तटबंध मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया गया तथा सामुदायिक रसोई राहत सामग्री तैयार रखने का निर्देश भी दिया गया है। ऐसे ही कवरेज देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा भारत उदय समाचार को। लगातार भारत उदय समाचार ग्राउंड रिपोर्टिंग सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कर रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित सभी संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिदिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य का निरीक्षण करने तथा अपने क्षेत्र पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर जो पदाधिकारी मौजूद थे आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा है। खासकर आपको बता दें कि दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर SM त्यागराजन, विकास आयुक्त जो हैं यहां पर कारी प्रसाद महतो और SDM राकेश कुमार गुप्ता, दोनों प्रखंड के विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी खासकर कारी जो हायाघाट प्रखंड के अंचलाधिकारी हैं कमल प्रसाद शाह और हनुमान नगर प्रखंड के अंचल जो वीडियो हैं वो सभी यहां पर मौजूद रहे हैं। बाढ़ में आप लोग
ये आफत के घर ही है सर। आपका कौन सा पंचायत है? मल्लीपट्टी दक्षिणी हायाघाट का। हनुमान नगर करा रहे हैं जी। जी हाँ जी जी हनुमान नगर आ रहे हैं। हनुमान नगर कुछ आप ये सीओ सब कहाँ है सर? भाई आप बढ़िया से रसोई सबको पेमेंट करवाए। हनुमान नगर का हनुमान नगर हो गया। हनुमान नगर का नहीं हुआ। हनुमान नगर का हायाघाट करना है सर। रसोई का पहले ठीक है। अब खाना सब बढ़िया से बनवाइए। स्टार्ट हो गया। सब लोगों को बढ़िया से खिलाइए। मेन्यू सब बदल बदल के आज से शुरू हो रहा है जी? नहीं कल से ही चल रहा है सर। कल शाम से बन रहा है तो दिखाई तो कैसा बन रहा है।